हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैंकी टकिंग ऑन साड़ी एंड साड़ी में रुमाल को लगाने के बहुत सारे तरीके मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। और ये लेटेस्ट हैं जिसे कि आप फर्स्ट स्टाइल में आपको ऐसे रुमाल ले लेना है एंड आपको इसको सेकंड फोल्ड करना है। इसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ट्रिपल फोल्ड और किया है और उसके बाद से ट्रायंगल में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो एक तरीके से आपका ये भी एक डिज़ाइन बन जाता है और काफ़ी अच्छा स्टाइल लगता है। आप साड़ी में कुछ इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड इस तरीके से टक कर सकते हो, तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है और लेटेस्ट भी है हो और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टाइल में आप इस तरीके से हैंकी ले सकते हो, आप इस तरीके से आप किसी भी कलर की हैंकी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने वाइट कलर की हैंकी ली है और इसको ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है और इसमें मैं जितने भी स्टाइल आपको बताऊँगी काफ़ी ईजी भी हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। और इसको एक बार फिर से ट्रायंगल फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद से आप लेफ़्ट साइड आप इस तरीके से अपनी साड़ी में टक कर सकते हो हैंकी को काफ़ी ईजली तरीके से और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने इस बार अपने बालों को थोड़ा आगे किया है, साड़ी के साथ आगे बाल करने भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और जब आप हैंकी को टक कर रहे हो तो ये जो हमारा लुक आता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट हैंकी स्टाइल में आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको दो हैंकी ले लेनी है डबल कलर की। एक यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने ब्लू कलर का लिया है और एक वाइट कलर की लेनी है। इनको मैं दोनों को एक साथ सेट करना बताऊँगी और हाफ हाफ आप हैंकी को इस तरीके से दोनों को एक साथ फोल्ड करो। हमने वाइट वाली हैंकी को डबल फोल्ड किया है और उसके अंदर हमने ब्लू वाली हैंकी को इस तरीके से डाल दिया है और वाइट वाली हैंकी को ही फिर से हम एक ट्रायंगल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ ब्लू कलर की जो हैंकी है वाइट कलर से थोड़ी सी छोटी है तो हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल कलर हैंकी फोल्डिंग बन चुका है। ये स्टाइल है, काफ़ी अच्छा लगता है। डबल कलर की हैंकी को इस तरीके से स्टाइल आप कर सकते हो। किसी भी कलर की साड़ी पहने तो इस तरीके से आप डबल हैंकी को भी फोल्ड करके अपनी साड़ी में टक कर सकते हो। ये स्टाइल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको मेरे कौन से स्टाइल अच्छे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। मैं और भी हैंकी टकिंग के वीडियोज़ डालूँगी। अब यहाँ पर पहले मैं एक सिंगल हैंकी ले लेती हूँ वाइट कलर की कुछ इस तरीके से, उसको फिर से मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और कर लिया है यानी ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है। अब हमारी आती है सेकंड हैंकी की बारी। हम सेकंड हैंकी भी ले लेते हैं इस तरीके से, जो मेरी ब्लू कलर की है उसको ट्रायंगल फोल्ड करते हुए। यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैंने दो हैंकी ले रखी है इसीलिए इस तरीके से। और जो ट्रायंगल फोल्ड किया था उसके साथ हम ब्लू कलर की हैंकी को भी अंदर डालकर इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ट्रायंगल फोल्ड में, तो ये लुक भी बहुत अच्छा आता है। हमारी ब्लू कलर की हैंकी है वो भी ट्रायंगल फोल्ड में है और वाइट कलर की जो हैंकी है उसे भी हमने ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है और डबल कलर हैंकी फोल्डिंग है तो इसको आप इस तरीके से लेफ़्ट साइड अपनी हैंकी को साड़ी में टक कर सकते हो काफ़ी ईजिली। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये ट्रायंगल फोल्डिंग है तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अधिकतर मैं यही वाला फोल्डिंग करती हूँ जब डबल कलर की हैंकी लेती हूँ। यहाँ मैंने दो कलर की हैंकी यूज़ की थी, अब फिर से मैं आपको डबल कलर की हैंकी यूज़ करना बताऊँगी किस तरीके से करना है। पहले आप इस तरीके से सिंगल कलर की हैंकी ले लें और यहाँ पर मैंने ये ब्लू कलर की ली हुई है, दोनों को सिंगल कलर की जो हैंकी है उसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और जो सिंगल ट्रायंगल फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी हैंकी को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दोनों हैंकी को फोल्ड कर और दोनों को इस तरीके से हमें एक साथ रखना है थोड़ा गैप देते हुए। और एक हम सेफ्टी पिन लेते हैं। सेफ्टी पिन लेने के बाद से मैं किस तरीके से इसमें पिन लगाऊंगी आप देखते रहना। यहाँ पर दोनों हैंकियों को पीछे से यहाँ पर वाइट हैंकी की बैक साइड से हम दोनों हैंकियों को साथ लेते हुए पिन कर लेते हैं और इसके बाद से हमारा ये स्टाइल हमारा तैयार हो चुका है। और इसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड भी आप इस तरीके से टक कर सकते हो तो ये भी लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल सोबर बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरी साड़ी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताना।
यहाँ पर मैं सिंगल हैंकी ले रही हूँ, वाइट कलर की हैंकी। इस तरीके से आपको हैंकी ले लेनी है, इसको ट्रायंगल फोल्ड करते हुए फिर से एक बार और ट्रायंगल फोल्ड कर लेना है। फिर से हम ट्रायंगल फोल्ड कर लेते हैं और ट्रायंगल फोल्ड करते हुए हमारा ये तीन कॉर्नर हैं उनको अलग अलग इस तरीके से हमें कर लेना है, जिससे लुक वाइज बहुत ही अच्छा आएगा और ये फ्लावर की तरह आपके लगता है। और इस तरीके से तीनों कॉर्नर को अलग करते हुए थ्री कॉर्नर्स हमारे निकल कर आ गए हैं, उनको अच्छे से फैला लेना है और आप अपनी साड़ी में इस तरीके से टक कर सकते हो। ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगता है। आपको मेरा कौन सा स्टाइल अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और इस तरीके से मैं इसके साथ आपको पर्स हैंडबैग लेकर के दिखाऊंगी, इस तरीके से आप हैंडबैग भी कैरी कर सकते हो। तो ये हैंडबैग के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप हैंकी टक करते हो तो, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप किसी भी कलर का हैंडबैग ले सकते हो एंड साड़ी भी किसी भी कलर की पहन सकते हो, तो ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगता है। सारे स्टाइल मैंने आपको काफ़ी ईजिली से समझाए हैं। आपको मेरा कौन सा स्टाइल अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट हम हैंकी इस तरीके से ले लेते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी मैं आपको रोज़ की तरह बनाना बताऊंगी। रोज़ कैसे बनेगा ये, इस तरीके से आप हैंकी को फोल्ड करते जाओ, राउंड राउंड फोल्ड करते जाना है। ये एक हम पाइप की तरह तैयार कर लेते हैं। अब हमने पूरी हैंकी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और एक राउंड लेते हुए एक हिस्से को अंदर की तरफ कर लिया है और दूसरा फोल्ड करते हुए दूसरे को हम अंदर की तरफ से राउंड कर लेते हैं। हमारा एक रोज़ की तरह ये तैयार हो जाएगा हैंकी, यानी फ्लावर हमारा बन के तैयार, रोज़ फ्लावर जैसा होता है ना उस तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। अब इसमें मैं एक पिन की सहायता से पीछे जो हमने दोनों कॉर्नर हैं उनको पिन से पिनअप कर देते हैं और इसी पिन से ही मैं अपनी साड़ी में टक करके दिखाऊंगी किस तरीके से ये टक होती है। इससे हमारी साड़ी खुलती भी नहीं है और ये एक फूल की तरह हैंकी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैं अपनी साड़ी में टक करके दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा ये फ्लावर बना है। आप चाहें तो रेड हैंकी किसके साथ भी बना सकते हो और इस तरीके से पिन की सहायता से अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरीके से साड़ी में टक कर लेते हैं। ये लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये अधिकतर लोगों को नहीं पता है, ये जितने भी स्टाइल मैंने आपको बताए हैं ये लेटेस्ट हैं और काफ़ी ईजी भी हैं और ब्यूटीफुल भी लगते हैं। इसी पर ही मैं आपको बताऊंगी कि आप मोबाइल के साथ अपनी हैंकी को कैसे टक कर सकते हो। इस तरीके से आप बस आप लास्ट तक देखते जाएं और काफ़ी अच्छे से हमारी हैंकी टक हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।